हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। तो चले हम लोग पढ़ने के लिए आज। यस सर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हम लोग ये चीज को जान गए हैं क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे बनाते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? यस सर। तो चले फिर। यस सर। स्टैंड अप लाउड। वह गधा मॉर्निंग वॉक जाता है। ही डोंकी गो टू मॉर्निंग वॉक। ध्यान दो, डोंकी हम किसको बोलते हैं? फुल गधा को बोलते हैं, जो ओरिजिनल में गधा होता है। ये ओरिजिनल में गधा हम इंसान को जैसे कहते हैं ना, तो इंसान को जब कहते हैं तो वो डोंकी नहीं होता है, वो क्या होता है? स्टॉपिड। स्टॉपिड होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्टॉपिड, नॉट डोंकी। वह गधा मॉर्निंग वॉक जाता है। ही स्टॉपिस गो टू मॉर्निंग वॉक। ही स्टॉपिस, देखो ही क्या होता है? सेपरेट सब्जेक्ट होता है, वो किसी रिलेशन के साथ नहीं आता है। वो क्या होता है? रिलेशन के साथ नहीं आता है, समझ आई? ही कहेंगे तो उसके बाद अब दूसरा चीज नहीं आएगा। ही के बाद जस्ट बाद क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद दूसरा रिलेशन नहीं आता ही के साथ। क्लियर? ये डिटेल्स में जब आगे पढ़ेंगे केस तब पता चल जाएगा। बाकी ही के साथ कोई रिलेशन नहीं आता। हाँ, दैट के साथ आता है, उसके बाद योर के साथ आता है, है ना? तो यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? दैट स्टॉपिंग। क्या होगा? दैट स्टॉपिंग। दैट स्टॉपिंग गो टू मॉर्निंग वॉक। गोज टू, देखो सिंगल जा रहा है, वो गधा जा रहा है, जाता है ना? तो सिंगल आदमी जा रहा है, तो सिंगल आदमी जाता है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब को भी हम क्या बनाएंगे? सिंगुलर बनाएंगे। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? गोज लगाते हैं। दैट स्टॉपिन गोज टू मॉर्निंग वॉक। गोज टू मॉर्निंग वॉक। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बन गया सबका? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? सिट डाउन। नेक्स्ट नेक्स्ट। पक्षी आकाश में उड़ता है। बर्ड फ्लाई स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई स्काई ऑन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई ऑन द, है ना? बर्ड्स लिखा या बर्ड लिखा? बर्ड। क्या लिखी? बर्ड। बर्ड, तो बर्ड्स फ्लाइज, एस लगाएंगे उसमें। बर्ड्स फ्लाइज स्काई ऑन द स्काई। ऑन द स्काई। क्लियर? अगर हम सिंगुलर लगाते हैं तो एस नहीं लगाएंगे, जब प्लूरल लगाते हैं तो एस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट लगाते हैं तो हम एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? यस सर। सिट डाउन। नेक्स्ट। गधे गरम गरम चाय पीते हैं। स्टूपिड टेक्स फेयरली हॉट टी। गधे गरम गरम चाय पीते हैं। स्टूपिड टेक्स फेयरली हॉट टी। टैक्स, टैक्स एस लगाएंगे उसमें, क्योंकि गधे गरम गरम चाय पीते हैं। तो स्टूपिड टैक्स फेयरली हॉट, सिंगल सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। स्टॉपिंग टैक्स फेयरली हॉट टी। कोई दिक्कत? नो। समझ आ गया? यस सर। सिट डाउन। नेक्स्ट। स्टैंड अप सर। मेरा नहीं हुआ। स्टैंड अप। नेक्स्ट। मेरी उजली गाय मुझसे प्यार करती है। मेरी उजली गाय मुझसे प्यार करती है। मेरी उजली गाय मुझसे प्यार करती है। बताओ। सर नहीं है। नहीं आता। अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पता है? जी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पता है? जी। कैसे पता है? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट मेरी उजली गाय को। गाय को नहीं, ऐसे डेफिनेशन बताओ, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? मेरी उजली गाय। मेरी हाँ, मेरी सब्जेक्ट। मेरी सब्जेक्ट, मेरी सब्जेक्ट होता है? जी सर। मेरी सब्जेक्ट होता है कैसे? सब्जेक्ट का डेफिनेशन बोलो। सब्जेक्ट क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है? जब काम करने वाले को ही क्या कहते हैं? काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट।
तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? मेरी गाय। काम कौन कर रहा है? मेरी गाय। मेरी उजली गाय ये पूरा काम करने वाला है। मेरी उजली गाय मुझसे प्यार करती है, यानी काम प्यार करने का काम कौन कर रही है? मेरी उजली गाय। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब जो जिस पर काम एक्शन, काम को ही वर्ब कहते हैं। काम को ही वर्ब कहते हैं, ठीक है? काम। तो प्यार करना क्या हो गया? काम हो गया, एक्शन हो गया, है ना? तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और मुझसे, तो मैं जब किसी, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? प्यार करता है तो किस पे पड़ेगा? मेरे मुझसे। बोझ मेरे पे आएगी ना, प्यार वो करती है, बोझ मुझ पे आएगी। तो जो बोझ डालता है, रिजल्ट जिस पे जाता है, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बैठाओ। सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब बैठाओ इस पे। My white cow, my white cow. सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, सब्जेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद वर्ब। One hour five. हाँ, तो प्यार करने का क्या होता है? Lover. Love. लव। प्यार करने का क्या होता है? Love. लव, है ना? तो my white cow loves, यानी एक ही गाय है ना, दस गाय छोड़ना प्यार करेंगे, ठीक है? तो एक ही गाय है, तो क्या होगा? लव्स होगा। लव मी, नॉट फ्रॉम, वहां पे फ्रॉम नहीं आएगा, ठीक है? ये नेक्स्ट रूल जब आएगी तो उसमें बताएंगे कि कहां पे फ्रॉम लगेगा, कहां पे क्या लगेगा, प्रीपोजिशन वहां पे बताया जाएगा। क्लियर? जी सर। आई समझ? इसमें टिक लगाना है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा, स्ट्रक्चर देखना, उस पर बैठना है। क्लियर? जी सर। ठीक है जी। नेक्स्ट, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। नेक्स्ट फाइव। उन लोग मिस्टर 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 ए मिस्टर बी एंड मिस्टर ए मिस्टर बी और मिस्टर सी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। बना बना मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। जल्दी फटाफट फास्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कौन कौन था इसमें? मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी। वेरी गुड। मिस्टर सी तक क्या हो गया? क्लियर? यस सर। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब क्या है? रहने। वर्ब क्या है? रहना। हाँ, रहने, रहना, है ना? रहना क्या हुआ? वर्ब हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? झुग्गी झोपड़ी। डोंट से, आई एम आस्किंग हर, ओके? यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ? झुग्गी झोपड़ी। झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर पे बैठाओ, फटाफट बैठाओ। मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी रहने का लीव होता है। लीव एज आई लीव लीव झुग्गी झोपड़ी के स्लैम कॉलोनी। लीव स्लैम कॉलोनी। लीव स्लैम कॉलोनी। क्लियर? कोई दिक्कत? लीव्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि रहने वाला काम कितना है? काम करने वाला कितना है? तीन। तो प्लूरल हो गया उसमें, जैसे आईएस नहीं लगा। नेक्स्ट। उन लोग बागीचे से आम तोड़ते हैं। डे डे ऑर्चर्ड पल्क मैंगो। डे ऑर्चर्ड डे सेपरेट सब्जेक्ट होता है, इसके साथ कोई भी
और दोबारा कोई वर्ड नहीं आता है ना, ये इसके बाद जस्ट बाद क्या आता है, वर्ब आता है, इनके बाद कोई हम ऐसा रिलेशन नहीं जोड़ते हैं किसी के साथ, दे टी एच ई वाई दे जैसे ही हुआ शी हुआ, इसके साथ हम दोबारा कोई वर्ड नहीं जोड़ते हैं, है ना। उन लोग बागी जैसे हम तोड़ते हैं, क्या हुए दे दे फ्रॉम ऑर्चर्ड पल्क, कौन सा उन लोग वर्ब आम तोड़ते हैं, तोड़ते हैं ये वर्ब हो गया, उसके बाद बागे जैसे आम, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। यस सर, तो बनाओ दे सब्जेक्ट को, दे दे पल्क, दे पल्क प्लक, दे प्लक दे प्लक ऑर्चर्ड फ्रॉम मैंगो, मैंगो फ्रॉम ऑर्चर्ड, आम तोड़ते हैं बागीचे से, आम तोड़ते हैं तो आम तोड़ते हैं बागीचे से, है ना, क्लियर। यस सर, आम को बागीचे से नहीं तोड़ते हैं, या बागीचे को आम से तोड़ते हैं, नहीं बागीचे से आम तोड़ते हैं, है ना। यस प्लक मैंगो फ्रॉम ऑर्चर्ड, क्लियर। यस सर, नेक्स्ट। तुम्हारे दादाजी अंग्रेजी पढ़ाते, योर ग्रैंड पर टीच इंग्लिश, योर ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा टीच इंग्लिश, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्टैंड अप, स्टैंड अप, आई सेड स्टैंड अप, सो स्टैंड, क्लियर। नेक्स्ट, यह लड़कियां सही जवाब देती है, ये लड़कियां सही जवाब देती हैं। चलो बताओ, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ठीक से खड़ा स्टैंड, ठीक से, सब्जेक्ट कौन सा है, लड़कियां सही जवाब, लड़कियां सही जवाब, ये लड़कियां काम करने वाले क्या है, ये लड़कियां, ठीक है जी, काम करने वाली ये, क्लियर जी। और इसमें काम कौन सा है, काम देती है, जवाब देती है, जवाब है ना, जवाब देती है ना, या देती है, ये वर्ब हो गया, है ना, देती है वर्ब हो गया, और सही ऑब्जेक्ट हो गया। अब उस स्ट्रक्चर पे बैठाओ और बनाओ, ये लड़कियां का क्या होगा, ये लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, है ना। जब ये लड़की कहते हैं, जब इशारा करते हैं तो दिस होता है, सिंगुलर के लिए दिस होता है, और यही जब प्लुरल हो जाता है दिस गर्ल, ये दिस गर्ल हो गया। अब यहीं पे अगर प्लुरल आ जाता है तो टी एच ई एस ई दिस गर्ल्स, ये दिस चेंज टू दिस, क्लियर। तो यहाँ पे प्लूरल है ना, ये लड़कियां मतलब एक नहीं है, तो ये वाला यूज करेंगे दिस गर्ल्स, ये सब्जेक्ट हो गया, क्लियर दिस गर्ल्स। नेक्स्ट, दिस गर्ल्स देने का क्या होता है, देने का गिफ्ट, हाँ गिव गिव, क्योंकि एक नहीं लड़कियां बहुत सारी है, तो वहां पे ऐसे नहीं लगाएंगे, दिस गर्ल्स, गर्ल्स गिव राइट आंसर, गर्ल्स These girls give right answer. Right answer या correct answer. Clear? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. बहुत easy है? Yes, sir. Next. सतिया किचन में चाय बनाती है, स्त्रिया किचन में चाय बनाती है, वुमेन इन द किचन मैक्टी, वुमेन इन द किचन मैक्टी, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट बनाना मैक्टी, वर्ब किचन में चाय, ऑब्जेक्ट, क्लियर। यस वुमेन, वुमेन बनाने का मैक्टी, वुमेन
वुमेन मैक्टी किचन वुमेन मैक्स लड़की यानी लड़कियां है ना वुमेन यानी प्लूरल वुमेन्स वुमेन मैक टी इन किचन इन किचन किचन में इन किचन क्लियर यस नेक्स्ट घोड़े स्टेज पर डांस करते हैं स्टॉपिट डांस वंडा स्टेज घोड़े का अब यहाँ पे घोड़ा भी डांस कर सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हॉर्सेस करते हो इसको यानी आदमी के लिए हम घोड़ा किसी को थोड़े कहते हैं घोड़ा कहें गधा कहते हैं घोड़े नहीं तो स्टॉपिट यहाँ पे ये घोड़ा है तो घोड़े के लिए आदमी से घोड़ा नहीं बोलते हॉर्सेस घोड़ा बोला है नो सर है ना तो इस पे घोड़ा के लिए क्या हॉर्सेस डांस ऑन द स्टेज हॉर्सेस डांस वंडा स्टेज।